Keywords. The words that are understood by compiler is called keyword. It is a predefined or reserved word in C library with a fixed meaning and used to perform an internal operation. Keyword एक रिजर्व वर्ड है जो रिजर्व प्री प्रोग्रामर के द्वारा किया गया है जिसका मीनिंग सी लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन किया गया है. कीवर्ड्स कंपाइलर समझता है. जैसे यहाँ पे सेट ऑफ कैरेक्टर है RACH, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है. अगर इसको एक प्रॉपर वे में अरेंज किया जाए तो फिर कैर मीन्स कैरेक्टर का एब्रीविएट फॉर्म्स है. मीन्स अगर कैरेक्टर हम लोग बोले तो हम लोग समझते हैं कि ये कैर है, लेकिन अगर कैरेक्टर प्रोग्राम में लिखेंगे तो कंपाइलर नहीं समझेगा क्योंकि कैरेक्टर का सी का लाइब्रेरी फंक्शन में कुछ मीनिंग डिफाइन नहीं किया गया है. वहां पे कैर मीनिंग डिफाइन किया गया है. मीन्स अगर हम लोग प्रोग्राम में कैर लिखेंगे तो सी का कंपाइलर आइडेंटिफाई करेगा कि ये कैरेक्टर है. मीन्स एक वेरिएबल डिफाइन करना है जो वेरिएबल कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेगा. मीन्स अगर कैर लिखें तो आइडेंटिफाई बाय कंपाइलर दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स. इसी तरह देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी, जैसे ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, वाइट, स्विच, केस, इनुम, रजिस्टर, टाइप ऑफ कैर, एक्सट्रीम, रिटर्न, यूनियन, const, float, sort, unsigned, continue, for, sign, void, default, go to, size of, volatile, do, if, static, while. ये जितना भी वर्ड हम बोले इसका कुछ ना कुछ मीनिंग प्रीडिफाइंड सी का लाइब्रेरी में किया गया है. तो प्रोग्राम में हम लोग ये सारे कीवर्ड्स का यूज करेंगे पार्टिकुलर मीनिंग और पार्टिकुलर वर्क के लिए. इसका हम लोग वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं. मीन्स कीवर्ड are not used as a variable.